हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 16.1 का फोर्थ सम, पेज नंबर 109 के ऊपर जो दिया हुआ है फोर्थ सम। और उसके पहले के जो भी सम्स है 1, 2, 3 नंबर के, वो मैंने पूरे डिटेल में सॉल्व किए हैं। एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए हुए हैं, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लो, प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हो। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जो बारिश का पानी रहता है ना, उसे बचा कर रखना, सेव करके रखना, उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर इज बिल्ड। तो इतने साइज का एक टैंक बनाया हुआ है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक? तो कैपेसिटी कितना होगा टैंक का, मतलब उसमें कितना पानी आ सकता है, कैपेसिटी कितनी है उसकी। एंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? और तो यहाँ पर हमें कैपेसिटी के लिए वॉल्यूम फाइंड करना होगा, और फिर उसके बाद हमें देखना होगा कि कितना लीटर पानी इस टैंक में जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, फोर्थ सम है, द लेंथ ऑफ अ टैंक कितना दिया है, लेंथ ऑफ अ टैंक इज इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर दिया है, 10 मीटर लिख दिया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके, देन आफ्टर वी हैव हाइट, डेप्थ मतलब हाइट, यहां पर मैं हाइट लिखती हूं। उसके बाद हम यहां पर डेप्थ भी लिखेंगे इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो ये L है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट में मिडल में L भी डाल सकते हो, यहाँ पर B और यहाँ पर इज इक्वल टू करके H, मतलब ये L, B और H शॉर्ट में भी हमने बता दिया है। ठीक है, तो इसके आगे हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ और टैंक इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, बिकॉज ऑफ मीटर में दिया है तो डायरेक्टली हमने ले लिया। अभी यहां पर आपको करना है, ये जीरो नीचे आ गया, 6 3 18, 18 1 18, तो ये 180 क्या हो गया, क्यूबिक मीटर। ठीक है, अभी क्यूबिक मीटर दिया है ना, सेंटीमीटर नहीं दिया है, मीटर दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर क्यूबिक मीटर लिखेंगे, या आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 180 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर को हम लिखते हैं। अभी इसके बाद हमको क्या देखना है, वॉल्यूम कितना आ गया इसका, तो दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक ये आ गया है 180 क्यूब मीटर। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हाउ मच वॉटर इट होल्ड, ये पानी कितना होल्ड करेगा, ये भी लिखना जरूरी है ना। तो इसके लिए यहां पर हमें बताना है कि 1 मीटर क्यूब मतलब क्या होता है, 1000 लीटर। ठीक है, जैसे हमने टेक्स्ट बुक में यहां पर देखा था, मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए 1 cc मतलब, 1 cc मतलब सेंटीमीटर, हाँ क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब होता है 1 मिलीलीटर, और यहाँ पर 1 cm मतलब क्या होता है, 1 मिलीलीटर। तो अगर ये 1000 1 लीटर रहेगा, दैट मीन 1000 मिलीलीटर होता है, तो यहाँ पर ये 1000 लीटर हो जाएगा। तो इसीलिए तो अभी हमें फाइंड करना होगा वाटर होल्ड इन टैंक इज इक्वल टू, अभी हमें ये लेटर में फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू, तो 1 2 3 4 0 ले लो एंड 18 1 18 लीटर। ठीक है, तो ये हो गया 1,80,000 लीटर यहाँ पर आएगा। तो कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है, जो यहाँ पर हमें पूछा हुआ है, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है,
दैट इज 18 लीटर ऑफ वाटर का है, तो इसका आंसर आ गया 1,80,000 लीटर. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. तो द टैंक होल्ड 1,800 पूरा प्रॉपरली काउंट करके लिखो लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, तो दिस वे वी हैव टू फाइंड दिस आंसर. कंप्लीट पूरा हो गया है. तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये सब मैंने सॉल्व किया हुआ है, और इसमें ये जो यूनिट चेंज करते हैं हम, ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए. तो पेज नंबर 107 के ऊपर आप लोग देखोगे तो ये डिटेल में यहाँ से दिया हुआ है. यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक अगर देखोगे ना पूरा, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में, वो आप लोग वीडियो भी देख सकते हो और यहाँ पर भी आप देख लो, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रैक्टिस सेट 16.1. नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 16.2, और उसके बाद हमें आगे मुझे कहा गया है, मैं कमेंट करके बताया है कि ये टेबल भी दिखाना है, तो मैं वो टेबल भी जरूर दिखाऊंगी. तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.